इंडोनेशिया में निजी एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे का शिकार परवाज GT6110 इंडोनेशिया के शहर जकार्ता से पिंकल पांग जा रही थी। फजाई कंपनी ने तस्दीक की है कि तैयारा उड़ान भरने के 13 मिनट बाद रडार से अचानक गायब हुआ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका रब्ता टूट गया। तैयारा गिरने के मुमकिन मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। इंडोनेशिया के वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया है कि तैयारे में 3 बच्चों और अमले के 7 अरकान समेत 188 अफराद सवार थे।